क्या मैं 60 मिनट्स घर के कामों की एक्टिविटी के अलावा देती थी एक्सरसाइज को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफस्टाइल। दोस्तों क्या हाल है हम लोगों के। आज एक और ज़बरदस्त वीडियो लेकर आप लोगों के लिए आया हूँ डॉक्टर साहिबा की, डॉक्टर सादिया की वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन। मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ, डॉक्टर सादिया ने 21 kg वजन कम किया था। आई थिंक अगर मैं गलत हूँ दोबारा उनसे पूछ लेंगे, 21 kg वजन कम किया। मैंने उनकी वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन उनका पूरा इंटरव्यू किया, आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत सराहा। आप लोगों ने उनका यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब किया, जिन लोगों ने नहीं किया डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, फिट इन चैनल विद डॉक्टर सादिया, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन मुझे बड़े सारे सवाल आता है, आपने डॉक्टर साहब से ये नहीं पूछा, आपने ये नहीं पूछा, आपने ये नहीं पूछा, तो मैंने सोचा एक और वीडियो की जाए डॉक्टर साहिबा के साथ कि ये 21 किलो वजन जो कम किया इसके बारे में कुछ 10-15 टिप्स दे दें, क्विक टिप्स दे दें। साथ में मेरे दो सवाल हैं, सिर्फ दो सवाल जो मैंने डॉक्टर साहब से पूछने थे, आप लोगों के सवाल हैं, तो वो सवाल करता हूँ। तो डॉक्टर साहब को वेलकम करता हूँ एक बार फिर अपने चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? क्या हाल है डॉक्टर साहब? मैं ठीक ठाक डॉक्टर साहब, आप बताइए क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, लोग तो आपके फैन हो गए, लोग तो आपको माशाल्लाह से इतना पसंद कर रहे हैं कि लोगों ने मेरी वीडियोस देखना छोड़ दी, सिर्फ आपकी वीडियोस देखते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, आपके चैनल की वजह से ही रिकग्निशन मिली है मुझे। नहीं, आप ये आपका क्रेडिट है, ये बेसिकली आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, आपने खुद अपना वजन कम किया, अब आप लोगों का वजन कम करा रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़रा सा भी व्यूअर्स का टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, फ़ौरन से पहला सवाल है कि आपने 21 kg वजन कम किया, राइट? जी। अच्छा 21 kg, मुझसे कई खवातीन ने पूछा कि इनसे पूछे कि जब इन्होंने 21 kg वजन कम किया तो इनकी स्किन ने सैग नहीं किया, मतलब होता ना अमूमन वजन कम करते हैं आप स्किन लटक जाती है, आपकी स्किन सैग कर जाती है, तो आपकी स्किन ने सैग नहीं किया? देखिए स्किन सैग करने की दो वजूहत होती हैं बड़ी, उसमें यह है कि अगर आप प्रॉपर वाटर इनटेक नहीं करते हैं वेट लॉस में उसकी वजह से भी होता है, और अगर आप वर्कआउट और एक्सरसाइज प्रॉपरली नहीं करते तो भी ये एक वजह होती है। बिल्कुल सही, मतलब अगर आप सिर्फ डाइट से अगर वजन कम करोगे, साथ में वर्कआउट नहीं करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, पानी नहीं पियोगे, तो आपकी स्किन सैग कर जाएगी। एग्जैक्टली, और ऑल फूड ग्रुप्स शुड बी इंक्लूडेड इन योर डाइट, आपका प्रोटीन। अच्छा, जी प्लीज कह रहे हो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पूरे हों, मींस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स भी, और माइक्रोज भी पूरे होने चाहिए, आपका मिनरल्स, विटामिन सब। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं बैलेंस डाइट से वजन कम करना चाहिए, ये नहीं कि आपने बिल्कुल कार्ब छोड़ दिया, बिल्कुल प्रोटीन छोड़ दिया, कोई एक चीज छोड़ दी, वजन तो कम हो जाएगा लेकिन नुकसान देगा। जी क्विक फिक्सेस पे ना जाए, इट टेक्स टाइम, आहिस्ता कीजिए, कंसिस्टेंसी के साथ कीजिए, तो आपको फिर प्रॉपर रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे कुछ टिप्स पूछूंगा, ठीक है। आज मैं आपको बेसिकली एक वेट लॉस स्टोरी नहीं, एज एक्सपर्ट की तरह ट्रीट करने वाला हूँ। वैसे आप हैं एक्सपर्ट, आप MBBS डॉक्टर भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि बेसिक क्या है वजन कम करने की, कि अगर घर में एक खातून है जिसका वजन 80 kg हो गया और 5'3" उसकी हाइट है, तो उसका वजन कम करने के लिए पहला कदम क्या लेना? देखिए पहला कदम तो ये लेना है कि सबसे पहले तो एक्टिविटी बढ़ा दें वो अपनी लाइफ में, घर के कामों के अलावा जो है वो वॉक शामिल करें अपनी लाइफ में, रिफाइंड कार्ब्स जो है वो अपनी डाइट में से जो है वो कट कर दें, कम से कम कर दें, यानी जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वाइट चीज, वाइट आटा, बिस्किट्स, नान और बेकरी आइटम्स, इन सब को कट कर दें, और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ आ जाए, मीन्स लाल आटा इस्तेमाल करें, ओट्स इस्तेमाल करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो एक पूरा प्लान की तरफ चलेगा, पहला कदम जो है ना, मतलब अगर मैं बताऊँ ना आपको, मेरी नज़र में पहला कदम होता है कि जहन बना लें कि आप कर सकते हैं। आपको जब आपने वेट लॉस किया होगा तो आपने पहले जहन बनाया होगा कि मैं कर सकती हूँ। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, पहले अपना माइंड मेकअप करें और उसके बाद जो है स्टार्ट करें। और एक और काम करें, दूसरों के कहने को जो है ना बिल्कुल इम्पोर्टेंस ना दें। मैं आपको बताऊं, बीच में लोग कहेंगे पतले हो जाओगे, बुरे लगोगे, कोई कहेगा क्या उल्टी सीधी चीज़ें खाना शुरू कर दी हैं, कमज़ोर हो जाओगे, जिस्म में कमज़ोरी आ जाएगी, 10,000 ऐसी बातें आपको सुनने को मिलती हैं जो आपके अपने मोहब्बत करने वाले, आपके प्यार करने वाले आपके प्यार में कहते हैं लेकिन वो आपके लिए नुकसानदेह होता है। जो आपने गोल सेट किया है ना, बस आंखें बंद करें, दिमाग बंद करें, उस पर चलना शुरू कर दें, फिर किसी की बात नहीं सुननी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखें अभी तो मोटापा पहले ज़माने में शायद हुआ करता था कि अच्छी सेहत की अलामत, लेकिन आजकल तो जितना आजकल मोटापा जो है वो बहुत सारी बीमारियों को साथ लेकर आता है। बिल्कुल, तो जान है तो जहान है, तो आपको अपनी हेल्थ के, जी आपको अपनी ये सब जितना जल्दी समझ में आ जाए सबको, ये बहुत अच्छी बात है,
कि अब अगर आप जो है वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो फिर आप अपनी फैमिली को भी देख सकते हैं, अपने आप को भी देख सकते हैं, अपनी फैमिली को भी देख सकते हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर सकते हैं। अदरवाइज जो है वो मोटापा भी होगा, बीमारियाँ भी होंगी, तो आप कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करें? आप में एनर्जी नहीं रहती दिन में काम करने की। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि तीन चीज़ें बताएं जिनको डाइट से बिल्कुल निकाल देना है अगर आपने वजन कम करना। देखें, शुगर्स जो हैं वो बिल्कुल कट डाउन कर दें, ठीक है, ठीक है, शुगर कट डाउन कर दें, और रिफाइंड कार्ब्स जो हैं वो निकाल दीजिए, और फिजी ड्रिंक्स को भी अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दीजिए। उसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसके लेने के सिर्फ और सिर्फ नुकसान। कोल्ड ड्रिंक्स की बात कर रही हैं आप? कोल्ड ड्रिंक्स, जी। अच्छा डॉक्टर साहब, कोल्ड ड्रिंक्स जहाँ आप निकालने की बात करें तो मैंने सुना है फ्रेश जूसेस, बल्कि सुना क्या मुझे पता है फ्रेश जूसेस भी बिल्कुल नहीं पीने चाहिए वजन कम करते वक्त। बिल्कुल नहीं की बात नहीं, जैसे वीक में आप एक से दो दफ़ा ले सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है फ्रूट जूसेज में ये होता है कि एक तो ज़्यादा क्वान्टिटी में फ्रूट्स यूज़ होता है, उसकी कैलोरी वैल्यू बढ़ जाती है, ओके, और जब हम जूसेस निकालते हैं तो उसका फाइबर एलिमिनेट हो जाता है, जो कि फाइबर जो है वो वेट लॉस के लिए बहुत ज़रूरी है। शुगर होती है, मतलब जितनी ऑरेंज जूस में शुगर है उतनी कोल्ड ड्रिंक में शुगर है, बराबर बराबर शुगर होती है। और दूसरा ये कि जूसेस लेने की वजह से जो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है और जो शुगर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो स्पाइक करता है, तो इंस्टेड ऑफ हैविंग जूसेस यू हैव टू ग्रैब अ होल फ्रूट, तो उसमें आपको फाइबर भी मिलेगा, उसमें आपको जो है वो कैलोरी सबसे मेन के कम जाएगी और फाइबर भी मिलेगा, और उसमें ये है कि ग्लूकोज लेवल जो है वो आपका स्पाइक नहीं करेगा, स्लोली रिलीज होगा बॉडी में। अच्छा डॉक्टर साहब, जूसेस की एक बड़ी कमाल बात है ना, कमाल तो नहीं है ये बुरी बात है, हमारे दिमाग की एक कमाल बात है कि जो हम खाना खाते हैं, अगर हम यू नो ऐसा फूड खा रहे हैं जो कि हम चबाते हैं तो ब्रेन रियलाइज करता है कि जी आपका पेट भर गया, बट लिक्विड कैलोरीज को ब्रेन उस तरह से रियलाइज नहीं करता। मतलब कैलोरीज आपके अंदर पूरी जानी है फिर भी आपको अर्ज वही रहेगी कि मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया। जी बिल्कुल, इसलिए वो इसलिए भी होता है कि एकदम से स्पाइक करता है ग्लूकोज लेवल और फिर इसी तरह से नीचे आता है, तो फिर आपको जल्दी भूख लगती है, तो फिर फायदा नहीं कि आपने कैलोरीज भी इतनी ले ली और आपका वेट लॉस भी नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, आप वो तीन चीज़ें बता दें जिनको आपने डाइट में लाजमी ऐड करना है अगर वजन कम करना है। आप जो है वो वाटर इनटेक अपनी बढ़ा दीजिए, 10-12 ग्लासेस ऑफ वाटर आपको लेना है ज़रूरी, पानी की इनटेक बढ़ा दीजिए और एक्सरसाइज अपनी लाइफ में शामिल कीजिए, 40 से लेके 60 मिनट तक की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, और इसके अलावा जो है वो ब्रेकफास्ट में और डिनर में जो है वो प्रोटीन और फाइबर की इनटेक बढ़ा दीजिए। ठीक है, और प्रोटीन को थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिएगा डॉक्टर साहब। अच्छा जी, प्रोटीन में आ जाते हैं आपके एग्स, चिकन, फिश, मीट में बीफ और मटन, और कोशिश करें कि आफ्टर 30 जो है वो बीफ और मटन की कंजप्शन जो है वो आप ज़रा थोड़ा सा रिड्यूस कर दें, और जो यंग लोग हैं वो लें क्योंकि उसमें जो है वो विटामिन बी ट्वेल्व की क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा होती है जो कि उनकी ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। और प्लांट बेस्ड प्रोटीन में अगर आप आ जाते हैं तो उसके अंदर दालें, लेंटिल्स और चने, लोबिया, ये सारी चीज़ें शामिल हैं, तो इनमें भी जो है वो प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी ज़बरदस्त टिप्स हो गई कि चीनी, कोल्ड ड्रिंक, स्ट्रेस जैसी चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और फाइबर ऐड कर लें अपने खाने में और अच्छी स्लीप कर लें और साथ साथ अपना क्या कहते हैं प्रोटीन ऐड कर लें खाने में, और एक और आपने चीज़ क्या बताई थी, एक्टिविटी बढ़ा लें। जी एक्टिविटी, अच्छा डॉक्टर साहब एक्टिविटी को डिफाइन करें, दिन में कितनी देर की एक्टिविटी होनी चाहिए ये घर के कामों के अलावा, एक्सरसाइज के हवाले से आप कितना करती रही जब आपने वजन कम किया? देखें घर की, ये आपने बिल्कुल सही बात की कि घर की एक्टिविटी के अलावा जो घर के काम है वो भी आपने एक्टिव होकर करना है, और इसके अलावा 40 मिनट से लेके 60 मिनट्स की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, 40 मिनट्स तक आप वॉक कर लें और 20 मिनट्स का उसके अंदर जो है वो उसके बाद जो है वो वर्कआउट भी आप शामिल करें जो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। अगर जिनको वॉक करने की आदत नहीं है वो पहले आप वॉक की आदत डालें, और उसके बाद जिनको वॉक करने की आदत है तो वो वॉक भी करें और एक्सरसाइज भी करें। तो मेरा 60 मिनट्स का पूरा ड्यूरेशन होता था कि मैं 60 मिनट्स घर के कामों की एक्टिविटी के अलावा देती थी एक्सरसाइज। अच्छा घर के कामों में तो एक्टिव रहने ही रहना, इसके अलावा 60 मिनट आप देती थी एक्सरसाइज को अपना जब आपने 21 kg वजन कम किया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक छोटी सी बात और बताइए कि जब दो खानों के बीच में भूख लगे अगर शाम में तो क्या तीन चीज़ें आप सजेस्ट करेंगी जो खानी चाहिए? देखें अगर जब वजन कम कर रहा है भूख लगती है तो गो फॉर वेजिटेबल्स, ठीक है, आप क्यों कम कर रहे हैं, सैलड्स ले लें,
फ्रूट्स ले लें, और फ्रूट्स भी आप जो है वो वाले लें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो लो होता है। अच्छा ठीक है जी। वैसे तो मैं अपनी वीडियोस में काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि कौन कौन से फ्रूट्स हैं ऐसे जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। मैं अब दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसमें अमरूद है, एप्पल है, ऑरेंजेस हैं, पपाया है, पीच है, पेयर है जो नाशपाती होती है, ये सारे फ्रूट्स आप ले सकते हैं। जब भी आपको भूख लगे तो कोशिश करें कि आप जो है वो एज ए स्नैक आप वेजिटेबल्स को स्टिक्स की शक्ल में जो है वो कट करके सैलड्स की तरफ जाएं और फ्रूट्स की तरफ जाएं। और फ्रूट्स जो है आफ्टर 5 PM अवॉइड करें। आफ्टर 5 PM फ्रूट्स अवॉइड करें जी। सनसेट के बाद कोशिश करें कि फ्रूट्स ना लें, उससे पहले पहले लें। वजह ये होती है कि क्योंकि उसमें जो भी शुगर्स होती हैं, फ्रुक्टोज होता है, तो वो वेट लॉस को स्लो कर देता है। दैट्स इट। आपकी बॉडी क्योंकि सनसेट के बाद खुद स्लो हो जाती है, उसको एनर्जी की इतनी जरूरत नहीं होती, शुगर की जरूरत नहीं होती। मेटाबॉलिज्म स्लो होता रहता है कंपैरेटिवली मॉर्निंग के, तो फिर कोशिश करें कि आप जो है वो सनसेट से पहले पहले आप जो है वो फ्रूट कंज्यूम करें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएगा सबसे बड़ी गलती क्या होती है जब आप अपने वेट लॉस जर्नी में होता है, सबसे बड़ी गलती क्या होती है? सबसे बड़ी गलती ये होती है, दो सबसे बड़ी चीज़ें हैं जिनका हम ख्याल नहीं रखते। एक तो स्ट्रेस। स्ट्रेस तो खुद से भी वैसे भी हो जाता है, मल्टीपल उसके जो है वो रीजंस होते हैं। और हमारी स्लीप, हमारी नींद। ओके जी। नींद को जो है वो नींद हम अपनी पूरी नहीं करते, और स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेस की वजह से भी आपका कॉर्टिसोल लेवल इतना बॉडी में बढ़ जाता है कि वो आपका फैट लॉस नहीं होने देता। और नींद भी अगर आप प्रॉपर नहीं लेते, रात में अगर जागते हैं, और एक तो ये रीज़न है कि अगर आप रात में जागेंगे तो कुछ ना कुछ खाएँगे एक्स्ट्रा, ठीक है। और उसके अलावा ये होता है कि कुछ हॉर्मोन्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से ऑपोजिट इफेक्ट हो जाता है कॉर्टिसोल लेवल पे, तो वो कॉर्टिसोल लेवल जो है वो रात में जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है कंपैरेटिवली मॉर्निंग के, तो उसकी वजह से भी आपका फैट लॉस नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि स्ट्रेस जो है लोग अक्सर क्या करते हैं, स्टार्ट वेट लॉस जर्नी करते हैं लेकिन उसी का स्ट्रेस लेने लगते हैं, मेरा वजन कम नहीं हो रहा, मैं तो अच्छा खाना खा रहा हूँ। तो चाहे कितना ही अच्छा खा लो, जब तक स्ट्रेस लोगे और वक्त पे नहीं सोओगे, आपका वजन कम नहीं होगा। सही कह रहा हूँ जी? बिल्कुल, आपने ठीक सुनवाया। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये मत सोचें कि बस मैंने जो है, देखें आपने इतने अरसे अपना वजन बढ़ाया है तो उसको उतारने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा ना। पेशेंस के साथ रहें, कंसिस्टेंसी के साथ रहें, क्विक फिक्सेस में ना जाएं कि मुझे 15 दिन में जो है वो इतना केजी वज़न कम करना है, तो मुझे एक महीने में जो है मेरा 10 KG वज़न कम हो जाए। वो अगर मैं आपको बड़ी वापस आएगा और बहुत बैडली वापस आएगा, और हो सकता है कि वो डिजीजेज वापस आए। हाँ, मैं बड़ी इररेलेवेंट लेकिन एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल देता हूँ। आप सोचें कि आपके हाथ में एक बॉल है जिसके अंदर मोती भरे हुए हैं, ठीक है। अब आपकी बॉडी जो है ना वो ज़मीन है, आपने क्या कह रहा हूँ लेकिन मज़ा आएगा, आपने वो मोती सारे ज़मीन पे बिखार दिए, वो बिखर तो 1 मिनट में जाएंगे, उनको उठाने में बड़ा सारा टाइम लगेगा। तो वज़न भी ऐसे ही है कि वो तेज़ आए या स्लो आए, उसको जाने में टाइम लगेगा। जो जल्दी करना चाहते हैं वो अपनी बॉडी के साथ ज़्यादती करता है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी एग्जाम्पल दिया। फिलोसोफर, हाँ, आपने एग्जाम्पल बहुत अच्छी जी। ठीक है। अच्छा, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन शेयर की। मैं दोबारा इंशाल्लाह कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीक, अगर आप टाइम दें तो आपको इनवाइट करूँ और आपकी मॉर्निंग रूटीन पे बात करूँ। हमने बहुत सारी चीज़ों पे बात की लेकिन मैं चाहता हूँ एलैबोरेटेड एक मॉर्निंग रूटीन आपकी डिस्कस की जाए। आपने जो 21 KG वज़न कम किया, इतनी ज़्यादा फिट हुई हैं, तो फिर थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा प्लीज़। इंशाल्लाह। और मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं वेइंग स्केल पे, मैंने वैसे चेक नहीं किया लेकिन इट्स मोर देन 21। अच्छा माशाल्लाह, जबरदस्त, इट्स मोर देन 21। तो थोड़ी बहुत मेरी डाइट भी फॉलो कर लें और ज़्यादा हो जाएगा। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका एक और बार मुझे टाइम देने के लिए। व्यूअर्स, ये थी डॉक्टर सादिया जिन्होंने 21 KG या उससे भी ज़्यादा कम किया बड़ी हेल्दी डाइट करके, कोई टेंशन ना लेके, कोई स्ट्रेस ना लेके, कोई क्या कहते हैं सैड डाइट फैट डाइट्स ना करके, और लेकिन एक्टिविटी बढ़ा के एक्सरसाइज करके इन्होंने जो टिप्स शेयर की उन पर अमल करें, आप भी फिट होंगे, हेल्दी होंगे, आपका घर भी खुश होगा। ठीक है जी, तो बहुत शुक्रिया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।